मैं आपका पूरा नाम जान सकती हूँ मैम? मेरा नाम साधना कथुरिया है। कहाँ रहते हैं आप दिल्ली में? रमेश नगर में। कितने साल का है आपका बच्चा? 13 साल का। क्या देख रहे थे आप अपने बच्चे के लिए मैम? अच्छा स्कूल, अच्छी एजुकेशन, जहाँ पर अच्छी एजुकेशन मिले। कौन कौन से स्कूल्स आपने कंसीडर किए थे अपने बच्चे के लिए? मैंने सेंट मार्क्स में किया था। कहाँ पर? ये मीरा बाग। ओके। और सलवान पब्लिक स्कूल सलवान। ये कहाँ पर? ये पटे वहाँ पर नारायणा में। और न्यू इरा ये कहाँ? राजौरी गार्डन। और एक मैंने एनसी जिंदल पंजाबी बाग में किया था। मैम कौन सा स्कूल आपने फाइनली चुना और क्यों? फाइनली से चुना है एनसी जिंदल में, हमारा फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया था बच्चे का, तो फिर हमने अभी उनमें नहीं आया था दूसरे में लिस्टों में, तो इसलिए फिर हमने अगर इनको भी छोड़ते हैं तो फिर वहाँ पर भी जाएगा हमारा, इसलिए फिर हमने वहाँ पर ही हमने किया प्रेफर। और उस स्कूल भी अच्छा था और एजुकेशन भी अच्छी थी, एक्टिविटीज़ अच्छी थी उस स्कूल में। मैम कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इनसे जिंदल पब्लिक स्कूल के साथ? अच्छा एक्सपीरियंस है। कुछ ऐसी दो बातें इस स्कूल के बारे में जो आपको बहुत पसंद आई हो? एजुकेशन अच्छी है वहाँ पर, एक्टिविटीज़ अच्छी हैं और बच्चे काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं स्कूल के अंदर। मैम एनसे जिंदल पब्लिक स्कूल के अंदर कुछ ऐसा जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपको लगता है? नहीं कुछ खास नहीं, क्योंकि बच्चों का काफ़ी मेरा बेटा हर एक्टिविटी में पार्ट लेता है। 1 से 5 के स्केल में, जहाँ 1 का मतलब है आप बिल्कुल भी सिफारिश नहीं करेंगे और 5 का मतलब आप पूरी सिफारिश करेंगे, तो एनसी जिंदल पब्लिक स्कूल के आप दूसरे पेरेंट्स को कितनी सिफारिश करेंगे? 5 के 5 लोग। मैं खुद कहती हूँ कि इस स्कूल में डालो, अच्छी एजुकेशन है, अच्छी कोई बर्डन भी नहीं है बच्चे का पढ़ाई का, कि कोई देखो होता है होमवर्क मिलता है, इतना होमवर्क मिलता है, पर ऐसा नहीं है कि बच्चा सारा दिन बुक्स लेकर बैठा रहे और सिर्फ पेरेंट्स भी उसके अंदर है, ऐसा कि बच्चा खुद हैंडल कर लेता है, अगर मान लो पेरेंट्स नहीं भी करवा रहे तो बच्चा खुद करता है। थैंक यू सो मच मैम।